नमस्कार दोस्तों, बी ए मेंटर ऑफ योरसेल्फ के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में बात करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी हाँ, आपने वर्ड काफी जगह सुना होगा, मूवी में भी ये वर्ड्स आते हैं हिंदी के फॉर्म में। अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में लगा देती है। ये जो वर्ड्स हैं ये काफी हद तक सही भी हैं, लेकिन किस तरीके से आप इसको यूज करेंगे अपने लाइफ में ताकि आपका जो ड्रीम है वो आपके पास में आ जाए। आज के इस वीडियो में इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा और मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा कि किस तरीके से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगे इससे ट्राई के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप खुद को सब्सक्राइब जरूर करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको ऐसा लगता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या रियली में काम करता है? अगर मुझसे पूछिए तो हाँ, ये रियली में काम करता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने का तरीका होना चाहिए। जब आप किसी चीज के ऊपर में आपका ध्यान रहता है तो अगर आपका वो जो पिक्चर होता है वो क्रिस्टल पिक्चर अगर आपके माइंड में है, तब वो जाके आपको जो मैसेज होता है, आपका जो मैसेज आपके जो कायनात होता है, जो नेचर होता है, उसके पास में जाता है और वो नेचर फिर वो चीज आपको दे देता है। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसका एक क्रिस्टल क्लियर इमेज आपके माइंड में होना चाहिए। हाँ, समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको वो जो इमेज है आपको बरकरार रखना पड़ेगा आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में। आप उस चीज के बारे में हमेशा वो चीज सोचते रहेंगे तो वो चीज जरूर से काम करेगा। अगर एग्जांपल के रूप में मैं दूं, इवन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में मैं दूं, तो बचपन में जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे मेरे पापा सिविल इंजीनियर हैं, तो मेरे पापा ड्राइंग्स बना रहे होते थे रोड्स पे। पापा वहां पे सिविल इंजीनियर पापा है तो वहां पर रोड पे काम भी करवा रहे होते हैं, तो मैं अपने पापा को देख के एक मैं सीखता था कि मैं भी सिविल इंजीनियर बनूंगा। और मुझको कुछ भी पता नहीं था उस मैटर में, लेकिन मैं पापा को देख के अपने आप को मैं एज्यूम करता था कि मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ। मैं पापा के साथ साइड पे रहता था और पापा के साथ मैं ड्रॉइंग बनाता था, 3D ड्रॉइंग बनाता था, आइसोमेट्रिक व्यू बनाता था, तो ये सब ड्रॉइंग में बनाना सीखा। तो धीरे धीरे एक मेरे अंदर में फीलिंग आने लग गया कि मैं एक सिविल इंजीनियर ही हूँ। और आप ये बात माने कि उस टाइम पे मैं क्लास 8 में था और जब मैं क्लास 12 मैंने जब पास आउट किया तो करंट में ही मेरा सिविल इंजीनियरिंग मेरे को मिला। और विश्वास मानिए कि जब मेरा काउंसलिंग हो रहा था बिहार में, तो उस टाइम पे जो सिविल का जो सीट्स होता है वो सिर्फ एक सीट बचा हुआ था और वो सीट मेरे को ही मिला। जितना भी सीट था वो बाकी सब ऑक्यूपाई हो गया था। करीब करीब उसमें वहां पे 46 सीट सिविल इंजीनियरिंग के थे, जिसमें से कि जो एक सीट लास्ट में जो बचा था वो जाके मुझे मिला। और जबकि मेरे आगे 5 और बंदे थे। मेरे आगे जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट एक मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे आगे में एक बंदा था वो भी सिविल इंजीनियर लिया था, लेकिन वो सिविल इंजीनियर सीट भी उसी को ही मिलता और फिर वो सिविल इंजीनियर सीट वो खत्म हो जाता, फिर वो मुझे नहीं मिलता। लेकिन क्या हुआ है कि उसके जो आपका डॉक्यूमेंट्स था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण कि उसको वहां से हटा दिया गया। तो जो सिविल इंजीनियर जो सीट्स था फिर वहां पे वो वैकेंट हो गया और जो अगला नंबर था वो मेरे को था, वो मुझे मिल गया। तो इस चीज से एक माइंड में जब आपका एक परसेप्शन क्लियर रहता है कि जब आपको वो चीज चाहिए और वो चीज मिलना होता है तो वो कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं से नेचर आपको वो दे ही देता है। मेरा हर चीज के लिए एक क्लियर रहता था। जब मैं बीटेक में था तो मेरा माइंड में सेकेंड ईयर में मेरे को क्लियर था कि मुझको एमटेक करना है फ्रॉम द स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, और मैं उस टाइम पे मैं उसको क्रिस्टल क्लियर अपने आप को एज्यूम करता था। तो मैं एग्जैक्टली वैसे ही हुआ कि मुझको एमटेक एनआईटी इलाहाबाद से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में किया, और फिर मैं बीटेक में ही अपने आप को मैं ये सोचा था कि एलएनटी में मैं काम करूंगा। तो उसके बाद एमटेक के बाद में मुझको एलएनटी में ही मुझे जॉब मिला इंजीनियरिंग सेक्टर में। तो एक्चुअली में जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है, और मेरे साथ तो एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा मैं सोचता हूँ।
इवन ये चीज मेरे साथ का खुद का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप इस चीज को आप ध्यान दें कि कोई भी चीज को जिस चीज को आप अपनी शिद्दत से चाह रहे हैं, आपके माइंड में वो क्रिस्टल क्लियर इमेज अगर आपके माइंड में है, तो वो चीज कहीं ना कैसे आपको मिल ही जाता है। आप अपने पास में झांके रखिए। तो दोस्तों, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, रियली में काम करता है। और अगर आपको इन फ्यूचर में कुछ चाहिए, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको खुद के अंदर में एक बिलीफ चाहिए कि भाई कि ये चीज होगा और ये हो के रहेगा। लेकिन बशर्ते उसके ऊपर में एक कमिटमेंट होना चाहिए, एक उसके ऊपर में एक आपका फॉर द लॉन्ग टर्म एक कमिटमेंट होना चाहिए कि ये चीज है जो कि मेरे माइंड में है और ये चीज आपको मिलेगा, चाहे वो अमीर बनने की बात हो, या चाहे वो कोई आपका पोस्ट लेने की बात हो, या एक अच्छा लाइफ स्टाइल के लिए हो, या एक अच्छा रिलेशनशिप के लिए हो। हर एक चीज वो मिलता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका माइंड किस तरीके से उस चीज को देखता है, उस चीज को समझता है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों, ये जो बिलीफ है, ये काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टूल है जो कि आपके अंदर में होना चाहिए। अगर ये बिलीफ अगर आपको हट जाएगा थोड़ा देर के लिए भी, कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये चीज नहीं होगा, या ये चीज फालतू है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, तो बेसिकली आप ये मैसेज अपने आप नेचर को दे रहे हैं कि ये चीज नहीं होगा, ये चीज हमको नहीं चाहिए, या ऐसा नहीं हो सकता है। तो नेचर भी वैसे ही बोलेगा कि एज यू विश, अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप इस तरीके से यूज करें कि आप अपने लाइफ में एक गुड रिलेशनशिप, एक अच्छा लाइफ, एक हेल्दी लाइफ आप अपने आपको एज्यूम करें, ताकि वो बरकरार रहे आपके डे टू डे लाइफ में, इन फ्यूचर लाइफ में। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर से बताइएगा। और मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।